हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रियल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आज आपको रेलवे कर्मचारियों को एक सुविधा मिलता है, उस सुविधा के बारे में मैं वर्णन करूंगा और पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि वो सुविधा है वो क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेलवे में छुट्टी जो लीव होता है उसको आपको बेचना है सरकार के पास, रेलवे के पास, जिसको लीव एनकेशमेंट कहते हैं, लीव एनकेशमेंट कहते हैं, उसके द्वारा आप अपनी छुट्टी को कैसे बेच सकते हैं या कैसे विड्रॉ कर सकते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है और ये कैसे इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो साथियों, तमाम सारी जानकारियां इस वीडियो में मैं देने वाला हूं और साथ साथ मैं ये बताने वाला हूं कि ये जो लीव एनकेशमेंट है उसका उपयोग कब करना चाहिए ताकि ज्यादा आपको बेनिफिट मिले और कब नहीं करना चाहिए। तो साथियों, तमाम सारी जानकारी है जो एक छोटे से वीडियो क्लिप में देने वाला हूं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो एक स्टेप भी छूटेगा तो आपको लीव एनकेशमेंट करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल से अगर कुछ आपको जानकारी मिलता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं आज के बिंदु के ऊपर चर्चा करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रेलवे कर्मचारी जो रेल में सेवा करते हैं, चाहे तो ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप डी, किसी प्रकार के कर्मचारी हैं, उनको साल में जो छुट्टियां मिलता है और वो छुट्टी को जमा करते करते आप पूरे सर्विस लाइफ में 300 से ज्यादा छुट्टी जमा से भी नहीं कर सकते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब उसमें साथियों होता क्या है कि लीव एनकेशमेंट करने का कभी आपको इच्छा हुआ चाहे तो मर्जी हुआ तो आप करते हैं, तो उसके लिए साथियों पहला स्टेप है कि लीव एनकेशमेंट है क्या। तो लीव एनकेशमेंट है कि आप अपनी छुट्टी को रेलवे के द्वारा बेचे जाते हैं जिससे आपको पैसे मिलता है उस छुट्टी के बदले, उसी को लीव एनकेशमेंट कहते हैं। अब साथियों, लीव एनकेशमेंट की प्रक्रिया क्या है, तो साथियों बता रहा हूं कि पूरे सर्विस में जितना आपका सर्विस है पूरे सर्विस में आप छह बार आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब साथियों, अगर एक बार ले लिए लीव एनकेशमेंट तो उसका ड्यूरेशन पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। अगर अभी आप 2024 में ले लिए तो आप अगला 2026 के बाद ही लेंगे, 26 में लेंगे, 2 साल जब आपका जिस दिन पूरा हो जाएगा उसके बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अब लीव एनकेशमेंट में आपको जो छुट्टी है वो एक बार में 10 छुट्टी ही आप बेच सकते हैं, जो आपका एलएपी छुट्टी रहेगा, सीएल नहीं रहेगा, आपका एलएपी छुट्टी होगा। अब उसमें एलएपी छुट्टी में एक बार में 10 से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं और पूरे जो है सर्विस लाइफ में 6 बार, इस बात का ध्यान रखना है। अब साथियों, बात आता है इसमें कि कब लीव एनकेशमेंट का प्रयोग करें कि हमें ज्यादा बेनिफिट मिले। तो साथियों, जैसे ही आपको पता है कि लीव एनकेशमेंट में आपका बेसिक प्लस डीए वगैरह जो भी और अलाउंस कुछ कुछ होता है वो उसके अनुसार वो देते हैं, वो तो जब आपको आएगा तो पता चलेगा। लेकिन साथियों, इसमें ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका बेसिक, जो आपका बेसिक पे है वो अगर ज्यादा रहेगा तो आपका जो 10 दिन का लीव रहेगा उसका पेमेंट है वो आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपका बेसिक के अनुसार ही उसका जो होता है कैलकुलेट किया जाता है। आप जैसे कोई नया कर्मचारी है, लेवल 1 कर्मचारी, लेवल 2 कर्मचारी, मान लीजिए लेवल 1 कर्मचारी हैं, उनका 18,000 है जो कि अभी बेसिक चल रहा है। अब वो इस समय वो लीव एनकेशमेंट का प्रयोग करना चाहेंगे
तो ले सकते हैं, लेकिन जो उनको अमाउंट है, अर्निंग है, वो उनका कम मिलेगा। और वही उनका अगर बेसिक 30,000-35,000 के आसपास हो जाता है, उस टाइम बेचते हैं तो उनको ज्यादा राशि मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, यही था लीव एनकैशमेंट का प्रयोग कैसे करें और ये क्या होता है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूं कि जो 2024 में लीव एनकैशमेंट का लेने का सोच रखे हैं, तो उनका जो लॉकिंग पीरियड है, ब्लॉकिंग पीरियड है, वो 31/8/2024 लास्ट है। उसके बाद फिर नया स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉक पीरियड। तो जो भी अभी के समय में लीव एनकैशमेंट का प्रयोग करना चाहते हैं, वो 31/8 से पहले अप्लाई कर लें, और उसके बाद फिर नहीं तो नया ईयर में नया खुलेगा उसमें आप कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो में मैं बताया कि लीव एनकैशमेंट है क्या, इसमें कैसे इसका उपयोग किया जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि HRMS के द्वारा, पहले आपका ऑफलाइन होता था, फॉर्म वगैरह भर के जमा करना पड़ता था, लेकिन अब जो हो गया है कि HRMS में डिजिटलीकरण कर दिया गया है, उसी में लीव एनकैशमेंट का आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि लीव एनकैशमेंट का जो एप्लीकेशन है वो HRMS के द्वारा किस तरह से फिल कर सकते हैं, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो तमाम सारे जो जानकारी है उस वीडियो में मैं दूंगा। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही मैं वो भी वीडियो आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपका जो डाउट था और समस्या चल रही थी, वो सारे के सारे दूर हो गए हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो एक लाइक तो बनता है, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने रेल भाई बंधु में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।